हेलो गाइस, आज का ब्लॉग कुछ ऐसी जगह से शुरू कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से कि अब मैंने कुछ एक्सेसरी बाइक के अंदर डलवाई थी, तो उसके बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि कितना मेरा इस बाइक के ऊपर खर्चा हो गया अभी तक का। जो मैंने श्रीनगर का ट्रिप जो था मेरा वो लगा के फिर उसके बाद जब मैं वापस यहाँ पर आया, तब से मेरा कितना इस पर खर्चा आ गया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाइक चलाने वाले जितने भी लड़के हैं ना, उनको पता है कि बाइक कैसे संभालनी है भाई, क्योंकि कितना खर्चा अभी तक इस 125 सीसी है यार, आप लोगों को पता है उसमें क्या खर्चा आएगा, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी खर्चा भाई आता ही है, जितना भी है खर्चा आता ही है। और अभी मैं आपको बताऊंगा मेरा अभी पेंडिंग कौन सा है, अगले महीने जो मैं ठीक करवाऊँगा वो पेंडिंग है। अभी मैंने डलवा दी मैंने बाइक, मैंने ब्लॉग के बीच में शो नहीं किया कि कौन सी डलवाई, कहाँ से डलवाई, कैसे की कैसे नहीं। मैंने डलवाई थी शास्त्री नगर से, लेकिन मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अब इस वीडियो के बीच में आपको दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ डलवाई है, कौन सी एक्सेसरी है, आपको बताता हूँ। देखिए तो मैंने सबसे पहले ये देखिए आप, इसका मैंने ये टायर डलवाया है, टायर इसका पहले वाले से मैंने बड़ा डलवाया है, 120 डलवाया है ये वाला RALCO रेलोको, ठीक है, इस कंपनी का डलवाया, लेकिन इन्होंने मेरे को 2 साल की गारंटी दी है, बोल रहे हैं कि ये 2 साल की वारंटी पे रहेगा आपका, तो मैंने कहा ठीक है भाई 2 साल की वारंटी पे और क्या चाहिए, तो मैंने डलवा दिया। और एक चीज ये ली थी मैंने जो ब्लिंक करती है, ये लगवाई थी चार्ज करके इसके ऊपर वो चलती है, तो ये देखो इसको चार्ज करना पड़ता है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिट कर दो और चलाते रहो, जितना इतना मैं चलाता नहीं हूँ उसको, लेकिन फिर भी चलो। ये डलवाया टायर मैंने 2500 रुपये का टायर डलाई वाला, और ये डलवाई मैंने फोग लाइट, इसके ऊपर मेरा खर्चा आ गया है 1300 रुपया, तकरीबन 1300 रुपया ये खर्चा, ठीक है, और 2500 उसका खर्चा। और पीछे ड्रम पर मेरी ब्रेक, तो ब्रेक ड्रम ब्रेक का ये है कि इसके अंदर साल बाद आपको इसकी ब्रेक शू चेंज कराने पड़ते हैं, साल बाद नहीं, अगर कुछ ज़्यादा ही यूज़ करो तो फिर उसके बाद आपको पता ही है कि ये ख़राब हो जाती है, तो ची ची की आवाज़ निकालने शुरू होती है, तो उसके बाद चेंज करना पड़ता है इसको, तो मैंने 2 साल के बाद चेंज किया, बहुत आवाज़ कर रही थी, घिस गई थी पूरी, दुकानदार बोलता भैया पूरी घिस गई है चेंज कर दो, मैंने कहा हाँ भाई कर दो चेंज कोई बात नहीं। और इसका ये चीज़ है, ये चीज़ टूटी हुई है, ये डलवाऊंगा, बात हो चुकी है भैया से, 800 रुपये में है, ठीक है मिल जाएगा, तो अगला टायर अगले महीने चेंज करवाऊंगा, ठीक है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये तो बिलाल टूट ही चुकी है यहाँ से, इसका कुछ नहीं है। और ये जो ये इसका ये है ना, ये चीज़ मेरे को बड़ी प्यारी लगी है, ये देखो ये लाइट वाइट कलर की और एक ये वाले कलर की, ये देखो जल रही है ना, तो बस ये चीज है। और मैंने बाइक घर पे धोई थी, आप देख सकते हो, ये मैंने छोटे से शॉर्ट लिए थे आपने देखे होंगे, और अभी तक ये देखो चाबी मैंने ऑन रखी हुई है, और इसमें अभी एक ही डंडा है, डलवाऊंगा पेट्रोल भी, तो देखते हैं अभी जाएंगे हम मॉल के लिए निकलने वाले हैं। और ये रही मेरी हेलमेट भाई, ये मैंने खरीदी थी तब से, लेकिन तब से इसको कुछ नहीं हुआ, फ्रंट से तो बिलाल कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये बैक का ये हिस्सा मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, इसको कहीं रखता भी नहीं हुआ ऐसी जगह पे जहां से खराब हो, लेकिन फिर भी ये पता नहीं क्यों उतर गया यहाँ से। फिलहाल कोई बात नहीं, इसको मैंने लेमिनेट करवा देना पूरा, तो इसको लेमिनेट करवा के ब्लैक कलर का पूरी ब्लैक कर दूंगा, ठीक है और कुछ नहीं। तो यहाँ का व्यू देख लो, ये कुछ ऐसे तरीके से है, ये बाइक मैंने परचेज की थी, ठीक है, उसके बाद अभी मैंने अभी तक मैं इसकी किस्तें भर रहा हूँ, लेकिन इसके 2 महीने की किस्तें रह गई हैं, वो भर के उसके बाद बाइक अपनी काम करवाया इस बार, क्योंकि मेरा लग गया इसके ऊपर 4500 रुपया लग गया, लेकिन कोई इशू नहीं है भाई, बाइक तो अपनी है ना, करना पड़ता है, जब तक इसकी देखभाल नहीं करोगे तो भाई इसका इंजन जो है मार खा जाएगा, क्योंकि अभी हम गए थे यहाँ से श्रीनगर के लिए तकरीबन 650 किलोमीटर चली थी यहाँ से बाइक, 650 चल के, और उसके बाद जो इसने तेल भी ज़्यादा नहीं खाया भाई, तकरीबन इसने तेल खाया हमारा 1300 रुपये का तेल लगा इस पर,
1300 में 650 किलोमीटर हम चल के आ गए, ठीक है। मुगल रोड से गए थे, पिछली ब्लॉग में आपने देखा होगा मुगल रोड से गए थे, वहां से आए थे। अब देखते हैं अगला ट्रिप जो हम लगाने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। चलो देखते हैं, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि वो आपको बताता रहेगा कि मेरी न्यू वीडियो कब आई है कब नहीं। ओके।